अब बोलो साहब। विचार सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म को जब नाश तब ही एक परमात्मा की तरफ ही वृद्धि हो जाए और कुछ नहीं रहे, कोई चाह ना, कोई इच्छा ना, कोई काम ना, कोई विचार कुछ नहीं, एक एक आश्रो, एक बल, एक आत्मविश्वास, बस मनुष्य शरीर मिला ही इसके लिए है और कोई प्रयोजन नहीं है। ये दूसरी चीजें तो दूसरे चीजों में जैसी, पर ये चीज तो केवल इसके लिए मनुष्य शरीर है वो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है। खाना पीना सोना जलना लड़ाई झगड़ा ये सब तो हरेक दूरी में हरेक जगह हो जाएगा, परमात्म तत्व की प्राप्ति इस शरीर के सिवा और कहीं मौका नहीं है। मौका एकदम सच्ची बात है, सच्ची बात, पक्की बात, एकदम सच्ची बात। अपने दूसरा काम करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ किसे लेना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है और कोई काम करना ही नहीं है, ऐसा विचार पक्का कर लो ठीक हो जाए। हमें बहुत आश्चर्य आते हैं, आश्चर्य आता है एक बात को कि जो साधु हो गए अब परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए चल रहा है और क्या करना है, छोरा नहीं, छोरी नहीं, लुगाई नहीं, बालक नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, कुछ बस मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, वे भी क्यों नहीं लगते हैं इधर आश्चर्य आता है, बहुत आश्चर्य आता है, पर कौन सुनता है, सुनते हैं नहीं, ना तो स्वयं सोचते ना कहने सुनते, अब उधर क्या है, स्वयं सोचे तो अकल आ जाए और कोई अच्छे पुरुष कही हुई बात माने तो ठिकाने लग जाए, स्वयं में तो अकल नहीं, कहने की मानते नहीं, क्या कर, हम तो जम पड़े हुए क्या करें, कुछ करना समझ में नहीं आता, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, मानव शरीर है बार बार थोड़ी मिलता है, आज दिन तक की अवस्था चली गई अब वो पीछे मिल सकती है, भोगों में, संग्रह में, सुख में, आराम में, आलस में, नींद में समय बर्बाद कर रहे, कितना नुकसान हो रहा है जो सोचती नहीं, भोग भोग में थोड़ी सुखी होगी, राजी होगी, क्या होगी, थोड़ी रुपया कमा लिया आ गया, वाह वाह होगी, थोड़ा आलस हो गया, नींद आ गई, आराम हो गया, क्या हो क्या गया, वृक्षों को भी आ गया, पशु पशु भी आ गया, नींद आ गया, सुख गया, ये सब कौन सा बाकी रहेगा, कुत्ते हो, गधे हो, सुअर हो, ऊंट है, उनमें भी उसको तो है, गधे से गधे में, नीचे से नीचे है, कुत्ते से कुत्ते में है, वही सुख होगा, वही राजी ला रही, मतलब बना क्या हुआ, मर्जी आ जा रहे, मर्जी आने चल दिया, मर्जी से बैठ गए, मर्जी उसको हो गए, मर्जी जो किया, सब बंदर करते हैं ऐसा ही करते हैं, कहीं भय से रुकते हैं, मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं, कहीं भय से रुकते हैं, क्या हो गया उसमें, पा क्या दिया, क्या करें, किसको कहें, कौन सुने, कासों कहूं, सुना तो समझे ना है, कहना सुनना समझना मन ही का मन मा है, कौन सुने का सुन कहू, सुना तो समझे ना, संयोग जन्य जो सुख है अथवा त्याग जन्य सुख है
ये महान आनंद करने वाली चीज है, उस सुख का भोग, उस सुख में लग जाना बड़ी भारी बाधा है। प्रतिदिन से हमारे दिखता है ऐसा, एकदम दिखता है मेरे लिए, आपके सबके लिए यही बात है, सबके लिए कोई भांग पड़ी है। और कुएं में भांग पड़ जाए पानी की जैसे की पता लगे, किसको कौन समझावा, कैसे समझावा। अविधि आदि अविद्या अटपटी घट घट बीच हड़ी को कैसे समझाइए, कोई भांग पड़ी। तट्टी पिसाब गया जिगरी सुख है नहीं बे, अच्छा छोड़ दिया सर गया उठी सुख हो गया, राजी हो गया। सत्संग छूट गया नहीं सुख था, अब नहीं जा सुख जाओ आप मरिए सूख लेते हैं, सहयोग से सूख लेते हैं, वियोग से सूख लेते हैं। गीता ने कहा नहीं होते से कृषि नर्था न अकृत्य लिए कसना, न करने से न करने से, कुछ नहीं करना पड़े, काम धंधा छोड़ दिया और राजी हो गया, राजी कुछ करना नहीं पड़ता, ये करने का त्याग कर दिया सुख हो गया, कुछ नहीं करना राजी हो गया। आलस में, प्रमाद में, नींद में, बिता बकवाद में, अच्छा काम करना को छोड़ दिया, बड़ों की आज्ञा पालना छोड़ दिया, गीता छोड़ दी, भागवत छोड़ दी, रामायण छोड़ दिया, कीर्तन छोड़ दिया, जप छोड़ दिया, इसमें आराम करते हैं। हमें से एक सज्जन मिले थे गृहस्थ से दूर रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहते ही बोले रहकर और भजन करते थे, रविवार की छुट्टी मना थी, आज रविवार आज छुट्टी है, आज भजन नहीं करे, भजन सुमन करने से छुट्टी माना थे रविवार की, फूट की अच्छा बात है, हमारे तो अक्ल में नहीं आती बात है। ताती लाज जब ध्यान छुट्टी नहीं है, आज आफत है कोई भजन सुमन करना, कीर्तन करना, नाम जप करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, जो आप है आप पापों को ठीक हुआ सब ठीक हुआ, क्या बात है सर। ये त्याग से सुख है और भोगों से सुख है, संग्रह से सुख है, मन चाहे चीज मिल गई, रोटी मिल गई, साग मिल गया, आराम मिल गया, दूध मिल गया, पी लिया, आनंद मिल गया, सो गए, ये कोई मिनख बना है, साधक बड़ा तो है ही नहीं, मनुख बड़ा भी नहीं है, शोर भी खा लेता है सो जाता है, भैंसा भी है, ऊंट भी है, बकरी भी है, भेड़ भी है, कुत्ता भी है, गधा भी है, खा लिया सो गया आराम कर, जो शोर बर्बाद कर देना है कितना आदर्श है, कितना कीमती समय माना गया है, दुर्लभ हो मानुष हो भी हो ऐसे विचार नहीं है, जब मौका मिला है कर लो बारिश हो, थोड़ी सी मन की प्रतिकूलता हो चल दिए, साधु होने पर ये बड़ी भारी एक कायरता रहती है और उसको वो वैराग्य समझता है, थोड़ी प्रतिकूलता से चल देता है, मनुष्य का प्रतिकूल से प्रतिकूल जावे कहाँ, माँ है, बाप है, लुगाई है, टावर है, खर्चा साधु थोड़ी बात नहीं करती, सतसुर चल दिए, मन में समझते हैं हमसे कर रहे हैं, महान पराधीनता है, महान मन की इंद्रियों की गुलामी है, महान गुलामी है, कभी छूटने का ही नहीं, ये आफत एक नहीं है, थोड़ी प्रतिकूल छोड़ी चल रही है, हमारी क्या परवाह, और शंका करो पूछो आप,
नहीं कर सकता। ये बात है सब। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 अक्टूबर 1990 सायंकाल लगभग 4:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम।